हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। एनवायरनमेंट की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, इकोटोन, इकोक्लाइन, इन सब के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर हमारा बायोडाइवर्सिटी के बारे में था, कंजर्वेशन के बारे में था। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में, जो अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, उनके जो अलग अलग पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, सबके बारे में पढ़ेंगे। जो आपके अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, सब बातों के साथ देखेंगे। प्लस हमारे पास कई सारे एमसीक्यूज़ होंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर दिया है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। वहीं पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है जिसको आप फिल कर सकते हैं। अपना जो सवाल है, आपके जो डाउट हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। हम लोग संडे को लाइव क्लास लेंगे रात में 9 बजे, और उन डाउट्स को, आपके डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक जो बेसिक टॉपिक है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। मतलब हमारे जो एनवायरमेंट के अलग अलग कंपोनेंट हैं, हमारी हवा, जो मिट्टी है, वाटर है, इन सब में इनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। क्यों हो रही है, हम इनके बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट मिल जा रहे हैं। जैसे कि आपका एग्जॉस्ट हो गया, कई सारे जो गैसेस हो गए, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो नॉइज़ है, ये हमारे इन्वायरमेंट में मिल जा रहा है। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ होता है अनवांटेड साउंड, वो साउंड जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। कोई बैठ के हथौड़ी पीट रहा है तो जो नॉइज़ है, जैसे कि जो साउंड है वो तो नॉइज़ ही हुआ एक तरह से। इसके अलावा जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं, ये सभी आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, कई सारे कारण हैं इसके पीछे। जैसे कि सॉइल इरोजन है। फिर आपके जो मतलब कि आपका जो मॉनसून है उसमें कई सारे जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो मिलती हैं। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, एसिड रेन, ऑयल स्पिल्स, जहाज क्रूड ऑयल लेकर के जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरा जो क्रूड ऑयल है वो ओशन की सरफेस पर पसर गया, ठीक है। अब चूंकि ये ऑयल ओशन की सरफेस पर फैल गया है तो ये प्रकाश को, मतलब सूर्य की किरणों को, ओशन के अंदर जाने से रोकेगा। चूंकि सनलाइट अंडर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण है, ये नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो बात। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस है ये नहीं हो पाएगा, और अंदर के जीव को खाना नहीं मिल पाएगा, वो मरने लग जाएंगे। हजार्डियस वेस्ट, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट, जो कूड़ा करकट, जो भी चीज़ें अस्पताल से निकलता है, मेडिकल से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, उन सबको जा करके डंप कर दिया जाता है। या तो उसको लैंडफिल में डंप कर देते हैं, ज़मीन खोद करके उसमें डाल देते हैं, या फिर पूरा पहाड़ बना देते हैं, या फिर उसको जा करके ओशियन में डंप कर देते हैं। ओशियन में प्लास्टिक की भी डंपिंग होती है। ये जो प्लास्टिक होता है वो डिग्रेड होकर के टूट फूट के माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है। इस पर सवाल UPSC से पहले पूछ चुका है। माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनका साइज 10^-6 मीटर से इसके रेंज का होता है, इससे छोटा होता है। ये जो माइक्रोप्लास्टिक होता है वो हमारे शरीर के भीतर एंटर कर जाता है, जो हम पानी पीते हैं, क्लॉक कर सकता है, और प्लस जो आपके जीव हैं कई सारे उसमें एक्यूमुलेट हो सकता है। मान लो कि गाय ने पानी पिया तो उसके अंदर चला गया वो माइक्रोप्लास्टिक, जो मछलियाँ हैं उसके अंदर चला जाता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है। हम लोग कई सारे जो ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस होती हैं उसको रिलीज़ कर रहे हैं, CO2 हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है डिग्रेड हो रहा है उसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर में मेटल का डस्ट, फ्लाई ऐश, सूट, कॉटन डस्ट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये सभी जो होते हैं वो हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। आप जो प्लास्टिक जलाते हैं उससे पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स,
ठीक है ना, पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल, जिसको हम लोग पीसी भी कहते हैं, वो निकलता है और ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, एयर को पोल्यूट करता है। इंडस्ट्रियल कैटास्ट्रोफी, कई सारे जो हमारे कल कारखाने हैं उसमें सेफ्टी ना रखने के कारण जो पोल्यूटेड रिलीज होता है उससे भी कई सारे खतरे होते हैं, जैसे कि फोजीन गैस COCl2, इसके रिलीज होने से एयर पोल्यूट होता है। मिथाइलोसाइनाइड, ये भोपाल के दौरान हुआ था, भोपाल त्रासदी के दौरान 1985 में। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनते हैं जब प्राइमरी एयर पोल्यूटर आपस में रिएक्ट करता है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जब आपस में रिएक्ट करता है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है, जैसे कि स्मोग और जो एसिड रेन है ये सब होता है। ग्लोबल वार्मिंग, जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने लगता है, हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, इसमें जो हमारे घरेलू वेस्ट वाटर है जो नाली से निकलता है उसमें कई सारे पैथोजेन होते हैं, जो इंडस्ट्री से निकल रहा है पानी, गंदा पानी, उसमें हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि लेड, ये हमारे वाटर बॉडी को, झील, तालाब, नदी, जहाँ पर भी जाकर गिर रहा है उसको प्रदूषित करता है। मिट्टी में मिल जाता है हैवी मेटल और मिट्टी को दूषित करता है। हजार्डस वेस्ट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो सब कैंसर पैदा करते हैं। जो जीन्स है हमारे बॉडी में, जो DNA है उसको अल्टर करता है, जेनेटिक म्यूटेशन पैदा करता है, नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे हार्मोन सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। सॉइल डिग्रेडेशन, हमारे यहाँ जो जंगल है उसको काटे जाते हैं, घास के मैदान पे ज़्यादा पशु चराने से ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, मतलब कि घास जो होता है वो मिट्टी को पकड़े हुए रहता है, अगर आप सारा घास काट देंगे, खिला देंगे काटे जानवरों को, तो वो जो सॉइल होती है ना उस पे से अपर लेयर ख़त्म हो गया तो सॉइल लूज हो जाता है और वो ढीली मिट्टी हवा के ज़रिए उड़ जाता है, पानी के ज़रिए बह जाता है। इंटेंसिव कल्टीवेशन से भी सॉइल आपका डिग्रेड होता है, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। ओवर इरिगेशन, अगर आप ज़्यादा पटवन कर देंगे तो वहाँ पर माइक्रो, जैसे कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, उनका लीचिंग हो जाता है। इसके अलावा जो सलिनेशन है ये हो जाता है, मतलब नीचे का सॉल्ट आकर के ऊपर सतह पर जम जाता है तो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है। अगर ये खेत ज़्यादा टाइम तक डिग्रेड होता रहे तो डिजर्टिफिकेशन, मतलब डिजर्ट में धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इसको डैमेज करता है हमारे कई सारे पोल्यूटेंट, कई सारे एजेंट, जैसे कि हैबिटेट को फ्रेगमेंट कर दिया जा रहा है, जो जंगल हैं उसके बीच से हाईवे पास कर दिया जाता है, रेलवे लाइन पास कर दी जाती है, हाथी पार नहीं कर पाता वो रेलवे लाइन, कभी कभी जो एक्सीडेंट है हो जाता है, करंट से कई सारे जानवर मर जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, मतलब किस तरह का विकास है वो, तो वहाँ पर उसी कारण से हमारा जो हैबिटेट है वो फ्रेगमेंट हो रहा है पशुओं का। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़, आपको मैं बताया था लास्ट क्लास में जलकुंभी के बारे में, जलकुंभी को हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्यूटिफिकेशन के लिए, ताकि सुंदर लगे चीज़ें हमारे, मगर वो हमारे यहाँ बन गया एक एलियन स्पीशी, हमारे यहाँ वो एक इन्वेसिव बन गया, वो पूरे के पूरे तालाब को, पूरे के पूरे पोखर को कब्जा कर लेता है और जब वो डिकम्पोज होता है तो वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज़ करता है। देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म जलकुंभी को डिकम्पोज कर रहा है वो सांस लेगा, एरोबिक है, वो सांस लेगा तो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। अब जितना ज़्यादा जो आपका कीटाणु है वो डिकम्पोज कर रहा है, अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो सांस खूब सारा लेगा, तो पानी में से जो ऑक्सीजन है वो खूब सारा वो एब्जॉर्व करेगा और पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट घट जाता है। इसी कारण से मछली को नहीं मिल पाता ऑक्सीजन और धीरे धीरे वो सब मरने लगते हैं। जो आपके एक्वेटिक जीव होते हैं उनकी धीरे धीरे डेथ होने लग जाती है। अब मछली, कभी कभी जो फिशिंग होता है उसमें देखने को मिलता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि जो हमारे मछुआरे होते हैं वो जाल में पत्थर बांध के, मतलब कभी कभी उसको भारी करके फेंकते हैं समुद्र किनारे। होता क्या है कि जो जाल है पूरा अंदर तक, गहराई तक जाता है भार के कारण,
और जो नीचे जो छोटे छोटे मछलियाँ होती हैं, मछलियों के बच्चे होते हैं, उनको पकड़ लेता है। और इस कारण से मछली जो आपने पकड़ ली उसकी भरपाई नहीं हो पाती, क्योंकि आपने बच्चे पकड़ लिए। तो इससे जो हमारा इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। अब इस कारण से एनवायरनमेंट के डिग्रेड होने से कई सारे बीमारियां हमारे यहाँ पनपने लग जाती है, जैसे कि मिनीमाता, इताई। आइए, मिनीमाता पे एक मूवी भी आई है जॉनी डेप की हाल में ही, तो अगर कभी पढ़ के अगर समय मिले पढ़ के तो उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। जेनेटिक रेसिस्टेंस, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स, इनका यूज़ करने से कई सारे जो हमारे पैथोजेन हैं वो रेसिस्टेंस पैदा कर लेते हैं अपने भीतर। जैसे कि बैक्टीरिया है तो वो अपने भीतर जो एक रक्षा कवच है वो पैदा कर लेता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब कि एंटीबायोटिक का भी उस पर यूज़, मतलब उस पर प्रभाव नहीं पड़ पाता। इफ़ेक्ट ऑन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, अब देखो आपने खेत में उर्वरक डाला, वो जो उर्वरक है आपने सिंचाई कर दी, सिंचाई आपने फ्लड इरिगेशन कर दिया, उससे होता क्या है कि जो खाद है वो पानी में घुल करके ग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाता है, या फिर बह करके जो अगल बगल का वाटर बॉडी है, झील तालाब जो पोखर वगैरह है उसमें जाकर मिल जाता है, और वहाँ पर न्यूट्रिएंट के बढ़ने के कारण, ध्यान सुनना, वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट बढ़ने के कारण वहाँ पर एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, एल्गल ब्लूम। तो जो हाल जलकुंभी के साथ हुआ था वही हाल यहाँ पर भी होता है। अब ये एल्गल ब्लूम मतलब क्या, ढेर सारा एल्गी पूरे तालाब में फैल गया। अब ये एल्गी जब मरेगा तो इसको डिकम्पोज करने के लिए कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आएंगे, डिकम्पोजर्स आएंगे, और ये डिकम्पोजर डिकम्पोज करते टाइम ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। इसके कारण डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो मछली फिर मरने लग जाएंगे क्योंकि उसको सांस नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन घुला हुआ खत्म होता जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन हो रहा है, जिस कारण से हमारे जो संगमरमर के बने हुए मॉन्यूमेंट हैं जैसे ताजमहल वो डिग्रेड हो रहा है, उसको हम लोग मार्बल कैंसर भी कहते हैं। ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है जिस कारण से कोरल रीफ मर रहे हैं, वैसे जीव जो कैल्शियम का अपना शेल बनाता था वो भी धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। आइस कैप मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, जिस कारण से समुद्र के लेवल का स्तर बढ़ रहा है। कई सारे जो हमारे शहर हैं, आइलैंड हैं, वो डूबते जा रहे हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, उसका कई सारा शहर जो है वो डूबता जा रहा है सी लेवल राइज के कारण। वेदर पैटर्न हमारा बदल रहा है, हमारे यहाँ एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है, गर्मी है तो खूब गर्मी है, ठंड है तो खूब ठंड है। वाटर रिसोर्स ये पोल्यूट हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन, इरोजन है सॉइल का, सैलिनिटी बढ़ रही है और फर्टिलिटी का लॉस हो रहा है हमारे सॉइल में। तो ये मेन कंसिक्वेंस हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। ये तभी होता है जब हम लोग रिसोर्स को हद से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, सस्टेनेबली यूज़ नहीं करते। जैसे कि पानी है, पानी को यूज़ करना कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप नल खोल करके ढेर मतलब हाथ धोते रहते हैं, करना क्या है, हाथ में साबुन लगा लीजिए, ठीक है ना, मतलब हाथ धो के साबुन लगा लीजिए, फिर नल बंद करके पूरा मल लीजिए, फिर उसके बाद नल चालू करके अपना हाथ धोइए। तो पानी बचाने का सारा तरीका होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नहाते टाइम शावर में नहाते हैं हम लोग, ढेर सारा पानी यूज़ होता है, बाल्टी में नहाएंगे ना, बाल्टी से नहाएंगे तो बहुत ही कम पानी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे जीवन शैली है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो एक तरह से अनसस्टेनेबल हो गया है। पंखे में नहीं रह पाते, एसी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो अब एसी है तो हाई बिजली खाता, बिल ज़्यादा खाता है, तो वो जो बिजली है बनाने के लिए हम लोग जो आपके फॉसिल फ्यूल है जैसे कि कोयला वगैरह उसका इस्तेमाल करते हैं। अब कोयला जलेगा तो CO2 निकलेगा, फिर से वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, फिर आप चलाएंगे एसी, तो पूरा जो साइकिल है ना वो चलते रहता है। अब आते हैं हम लोग पोल्यूशन का जो मेन टॉपिक है उस पर। पोल्यूशन में सबसे पहली बात, पोल्यूशन होता क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो, ये अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट में अनडिज़ायरेबल मटेरियल को डाल रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, एडिशन ऑफ
अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट विच डिग्रेड्स इट्स क्वालिटी, विच डिग्रेड्स इट्स क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, हवा में कोई चीज मिल गई, धूल मिल गया तो हवा की क्वालिटी कम हो गई। पानी में कोई गंदा पानी मिल गया तो उसकी क्वालिटी कम हो गई। वैसे ही हमारे आसपास के वातावरण में अनवांटेड साउंड, शोर मिल गया तो नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। मिट्टी में प्लास्टिक मिल गया तो सॉइल पोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि हम लोग अनडिज़ायरेबल अनवांटेड मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में मिलाते हैं जो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। ये होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। अब जो एजेंट एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं उसको हम लोग पोल्यूटेंट कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ये फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है। फिजिकल मतलब कि कोई धूल हो गया, धूल का कोई कण हो गया। केमिकल मतलब कोई केमिकल हो गया, H2SO4, HCl, ये सब जो एसिड होते हैं। फिर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, इसमें कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हवा में तैरते रहते हैं वो भी पोल्यूट करते हैं, ठीक है ना। या फिर आपका जो पानी है उसमें कई सारे आपके जो पोल्यूटेंट हैं वो शामिल हो गए बायोलॉजिकल, तो जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, सब हो गया। तो इसी कारण से आपका जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट करता है। अब ये पोल्यूशन कई तरह का हो सकता है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन, हम लोग सबको बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब इस क्लास में ख़त्म हो जाएगा पूरा। अब सरकार के पास जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट को बचाने की। सरकार ने एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन रोकने के लिए एक एक्ट पास किया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन है, इसको रोकने के लिए जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रोहिबिशन एक्ट है उसको पास किया है। वैसे ही वाटर पोल्यूशन एक्ट पास किया है। कई सारे जो आपके जो कानून हैं उसको पास किया गया है। अब आते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन क्या होता है? अगर एयर में किसी भी तरह का एक्सटर्नल सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस मिल जाता है जो कि एयर का क्वालिटी डिग्रेड करता है, उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। इन पोल्यूटेंट में नॉइज और रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी आता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसके आजू बाजू में जो रेडिएशन है अगर लीक करता है उससे, तो उससे आपका एयर भी पॉल्यूट होता है। वो नेचुरल जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोसेस है उसको इंटरफेयर करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। जैसे कि पावर प्लांट जो है वहाँ पर कोयला जला के बिजली बनाई जाती है तो उससे गैस निकलता है। अब इन पावर प्लांट में जो जैसे कि मान लो कि भाप वगैरह बन रहा है तो भाप जो ठंडा होता है गर्म पानी होता है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो कूलेंट होता है पानी तो उसको हम लोग रिलीज़ कर देते हैं अगल बगल के पोलर जो आपका पोखर तालाब होता है वहाँ पर, तो उससे वहाँ के जो जीव होते हैं मर जाते हैं पानी गर्म होने से। इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्टोन क्वेरीज जहाँ पर चूरा जाता है पत्थर को और जो छरी बनाई जाती है, यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इसके जलाने से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। बहुत सारे गैसेस वाटर वेपर से रिएक्ट करके जो सल्फ्यूरिक एसिड का माइल्ड रूप है वो बनाता है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों मिलकर के एसिड रेन पैदा करते हैं, और एसिड रेन मार्बल मॉन्यूमेंट को डिग्रेड करता है, और ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग मार्बल कैंसर कहते हैं। उसका रंग जैसे कि खराब होने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई मेन बातें एयर पोल्यूशन की। अब एयर को पोल्यूट करने वाला जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं उसमें DDT, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड यहाँ पर आते हैं। जो ओजोन गैस है ये भी पोल्यूटेंट में ही आता है। ओजोन गैस अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकेगा, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में है तो ये पोल्यूटेंट का काम करता है। क्या करता है? ये प्रदूषक का काम करता है, क्लियर बात। अब इन प्राइमरी पोल्यूटेंट के मिलने से, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं और जो हाइड्रोकार्बन हैं इनके मिलने से होता क्या है कि वोलाटाइल
जो हमारे कई सारे गैसेस हैं जैसे कि पर ऑक्सीलेट नाइट्रेट पैन ये बनता है। अब ये जो कंपाउंड है पर ऑक्सीलेट नाइट्रेट जो है ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन होने के बाद बन रहा है। समझ गए? तो ये तो हो गई बातें कि वो पोल्यूटेंट किस तरह से पैदा होता है उसके आधार पर, वो एग्जिस्टेंट कैसे करता है, मतलब वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, उसके आधार पर पोल्यूटेंट दो तरह का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि वो जो चीज़ है वो हवा में पहले से ही है, मतलब ये जो गैस है एटमॉस्फेयर में पहले से ही है। किसी कारण से अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अगर उस गैस का क्वांटिटी बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो पोल्यूट कर देता है। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड पहले से है, CO2 पहले से है, जो नाइट्रोजन सल्फर के जो गैसेस हैं वो पहले से हैं, मगर जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जब इनका अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पोल्यूशन। ठीक है ना? या अगर वो नहीं पैदा हुए होते, मतलब कि अगर वो केवल मनुष्य के कारणों के कारण ही पैदा होते हैं, तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव कहते हैं। ठीक, पहला क्या था? क्वांटिटेटिव, ये क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर में पहले से हो और बस वो बढ़ जाए। अगला आपका है क्वालिटेटिव, ये क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर में नहीं हो और वो मनुष्य के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि फंगिसाइड, हर्बिसाइड, DDT, ये सब आपके क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अलग अलग जो पोल्यूटेंट हैं एयर के उस पर। सबसे पहला आपका है पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। ये क्या होता है? कई सारे हमारे जो पोल्यूटेंट होते हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है, जैसे कि धूल के कण, सूट, ये सब। तो ये जो आपके पार्टिकल होते हैं वो हमारे हवा में घुले हुए होते हैं, मतलब हवा में सस्पेंडेड होते हैं, हवा में तैर रहे होते हैं। तो इनका साइज़ 0.001 से 500 माइक्रोमीटर तक का होता है। अगर इन पोल्यूटेंट का साइज़, अगर इन पार्टिकल का साइज़ 10 माइक्रोमीटर से कम का है, तो ये हवा में तैरेंगे, हवा में अपना मूव करते रहेंगे। अगर इनका साइज़ 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का है, तो वो भारी हो जाएगा और वो सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब जाकर के नीचे ज़मीन पर बैठ जाएगा। मगर अगर इन पार्टिकल का साइज 0.02 माइक्रोमीटर से कम का है, तो ये परसिस्टेंट एरोसोल बनाएंगे। क्लियर है? 2.5 माइक्रोमीटर से कम का जो साइज होता है ना, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर 2.5। और जो 10 माइक्रोमीटर का है उसको हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर 10 PM 10। ठीक है ना? तो 2.5 वाला जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका साइज छोटा है और हमारे बॉडी के अंदर पूरा चला जाता है ये। ठीक है? जैसे कि अगर आपने इन पोल्यूटेंट को श्वास के जरिए अंदर ले लिया, तो सांस लेने की जो बीमारी होती है वो पैदा होता है, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, जो आपका न्यूमोकोनियोसिस जो बीमारी है वो पैदा हो जाता है, जो कि धूल के अंदर ले लेने से होता है। इससे खांसी होती है, फाइब्रोसिस जो बीमारी होती है वो पैदा हो जाता है। जैसे कि जो फाइबर होता है ना, हमारे टिश्यू में जाकर जम जाता है, इससे बीमारी फाइब्रोसिस पैदा होती है। अगला हमारा पोल्यूटेंट है फ्लाई ऐश। जो कोयला से चलने वाले पावर प्लांट हैं, वहाँ पर जब कोयला जलता है, तो आपने देखा है ना कि कई बार आपको लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी के जलने के साथ साथ राख के साथ जो कई सारे पार्टिकल उड़ते रहते हैं हवा में, वो कुछ देर के बाद आपके शर्ट पर जाकर बैठ जाता है, कहीं और जाकर जम जाता है। तो यही अगर आप कोयला जला रहे होंगे पावर प्लांट में, तो वहाँ पर हवा के साथ जो उड़ता हुआ पार्टिकल है वो जा करके एक जगह पर जम जाता है, उसी को हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं। ठीक है? ये एयर को, वाटर को पोल्यूट करता है, और इसमें कई सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जिस कारण से ये सॉइल को भी पोल्यूट कर सकता है बाद में, अगर इसका मतलब इसमें अगर हैवी मेटल ज़्यादा हो तो। मगर ध्यान सुनिएगा, जो फ्लाई ऐश होता है उसको हम लोग मिट्टी में जानबूझ के मिलाते हैं, ताकि उसका जो वाटर रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़े, उसका जो उर्वरकता है और बढ़े। ठीक है ना? तो ये जो आपका फ्लाई ऐश है, इसमें सिलिका, एल्यूमिना, आयरन का ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई सारे हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब पाया जाता है। एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी फ्लाई ऐश में
पाए जाते हैं। इसका बहुत सारा यूज़ है फ्लाई ऐश का। अगर हवा में उड़ रहा है, कहीं जमा कर लिए आप उसको, तो कई सारा यूज़ है इसका। जैसे कि सीमेंट के जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो सीमेंट का खर्चा है वो बढ़ जाए, मतलब कम जाएगा, और आपका लागत कम जाएगा कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये नहीं कि आपने खाली फ्लाई ऐश यूज़ कर दिया, नहीं, सीमेंट मिलाना है। सीमेंट का जो मतलब 35% जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे, फ्लाई ऐश से। इसका ईंट बनता है जिसका भार कम होता है, काफ़ी मजबूत होता है और ज़्यादा टिकाऊ होता है। यहाँ पर रोड एम्बार्कमेंट बनाने में, कंक्रीट रोड बनाने में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है। वेस्टलैंड को रिक्लेम करने में, गड्ढे वड्ढे भरने में, माइन को जो माइनिंग हुई है उसको फिल करने में, जो खान है उसको भरने में फ्लाई ऐश का यूज़ किया जाता है। ये सॉयल को की जो उर्वरकता है वो बढ़ाता है। बस इशू है मेटल का ही है जो खतरा पैदा करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ जाती है। अब फ्लाई ऐश के इतने सारे इस्तेमाल को देखते हुए, इसके जो फ़ायदे हैं उसको देखते हुए, हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय, उन्होंने ये कहा है कि जो पावर स्टेशन है, मतलब जहाँ पावर बनता है, उसके 100 किलोमीटर के भीतर जो भी रोड बनेंगे, दूसरे काम हो रहे होंगे, वहाँ पर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, जैसे जो मान लो को ठेकेदार लिया है रोड बनाने के लिए ठेका, तो उसको यूज़ करना पड़ेगा फ्लाई ऐश वहाँ पे। इसको चलो सवाल करना है। विथ रेफरेंस टू फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट यूजिंग कोल एज फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर करेक्ट? फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक, बिल्कुल सही, ईंटें बनती हैं, कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज रिप्लेसमेंट फॉर पोर्टलैंड सीमेंट, जी हाँ, कुछ सीमेंट आप इसको हटा करके फ्लाई ऐश वहाँ पर मिला सकते हैं। फ्लाई ऐश इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बढ़िया बात है, कैल्शियम डाइऑक्साइड, ठीक बात है, डज नॉट कंटेंट एनी टॉक्सिक एलिमेंट। अरे ये तो गलत है ना, लेड वगैरह तो होता ही है, तो डज नॉट यहाँ पर गलत कर दिया। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया डज नॉट कंटेन। इसमें कई सारे टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाते हैं, तो केवल 1 और 2 ही सही है। ये आपका सही जवाब है, कोई दिक्कत की बात है? क्लियर सब कुछ? ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है लेड। ये पेट्रोल, डीजल, जो घर की बैटरी होती है, पेंट, हेयर डाई, वहाँ पर पाया जाता है। हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डैमेज करता है। टेट्राइथाइल लेड, इसका यूज़ होता है पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, ये इससे होता क्या है कि जैसे कि नॉकिंग कम होती है और गाड़ी का स्मूथ चलता है। मगर बात यह है कि ये जो लेड होता है ना, लेड हमारे जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने वाले कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि कैटलिटिक कन्वर्टर के बारे में पढ़ाऊंगा मैं तुरंत अभी आपको। इसमें जो आपके कैटलिस्ट होते हैं उसको डीएक्टिवेट कर देता है ये लेड। तो इस समस्या की बात है, एक जो लेड पार्टिकल हैं वो एग्जॉस्ट में निकलता है, धुएं से निकलता है, और हमारे किडनी को, लीवर को इसको इंज्योर करता है, जो रेड ब्लड सेल का हमारे भीतर प्रोडक्शन होता है उसको प्रभावित करता है। अगर ये लेड पानी में मिल गया, खाने में मिल गया, तो पॉइजनिंग पैदा करता है हमारे अंदर, उसको हम लोग कहते हैं लेड पॉइजनिंग। क्या कहते हैं उसको? लेड पॉइजनिंग। अब आते हैं हम लोग नैनो पार्टिकल पे। नैनो पार्टिकल इसका पता है आपको, इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, 10^-9 मीटर, मतलब नैनोमीटर के स्केल का साइज होता है। ये पैदा कैसे होता है? कई सारा जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी फटता है तो गैसेस निकलती हैं, उसमें नैनो पार्टिकल निकलते हैं, फॉरेस्ट फायर, वेदरिंग, अगर कोई डस्ट स्टॉर्म आया है, तो इन सब में जो नैनो पार्टिकल्स हैं पैदा होते हैं और हवा में घूमते रहते हैं। मनुष्य के द्वारा भी इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल प्रोसेस में ये नैनो पार्टिकल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कहीं पर स्टोन क्रशिंग हो रही है, पत्थर टूटता है ना, छरी वगैरह बनता है जिसका आप लोग घर बनाते हैं, ढलाई करते हैं, तो वहाँ पर नैनो पार्टिकल कई सारे बनते हैं। अब यहाँ पर ये जो नैनो पार्टिकल है वो डस्ट क्लाउड बना देते हैं, ओजोन को डिप्लीट करने के लिए जो एक लेयर है वो बनाते हैं ऊपर में, और टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये आपकी मेन समस्या होती है नैनो पार्टिकल के द्वारा। और यहाँ पर ये नैनो पार्टिकल हमारे एनवायरमेंट में कोगुलेट करते हैं, मतलब आपस में मिल करके जम जाएगा और वो डस्ट क्लाउड बनाएगा, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश पूरा नीचे तक नहीं पहुँच पाएगा।
ठीक है। तो ये मेन समस्या होती है नैनो पार्टिकल के द्वारा। अब कुछ खास हमारे एयर पोल्यूटेंट है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है CO, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैस है, मतलब रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। हाईली टॉक्सिक है और ये हवा से हल्का है। चूँकि हवा से हल्का है तो ये हवा में ऊपर उड़ जाता है। ये शॉर्ट लिव्ड है, बस इसकी एक ये खास बात है, ये शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कुछ ही महीने तक, पैदा होने कुछ ही महीने तक हवा में रह पाता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। कहाँ से निकलता है? जो इंजन चलता है, गाड़ियों का जो इंटरनल कम्बशन इंजन होता है, वहाँ से रिलीज होता है। चाहे जो भी दहन हो रहा हो, जो भी कम्बशन हो रहा हो, कम्बशन अगर ऑक्सीजन के इनसफिशेंट सप्लाई में हो रहा है, मतलब कि कम्बशन होते टाइम वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। जो आपका आयरन स्मेल्टिंग है, वॉल्केनो है, फॉरेस्ट फायर है, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। कई सारा जो आपका CO है वॉल्केनो से निकलता है, जो कि नेचुरल होता है ऑरिजिन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन करके ये जो स्मॉग है वो पैदा करता है ऊपर। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और CO2 गमन करता है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। अगला है आपका CO2 गैस, ये भी रंगहीन है, गंधहीन है, मगर ये हवा से भारी है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी है, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा से हल्का है, याद रहेगा। अब कार्बन से कहाँ से निकलता है? वोल्केनो, हॉट स्प्रिंग, गीजर, यहाँ से निकलता है। कार्बोनेट रॉक जब घुल जाते हैं तो वहाँ से रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है और जा करके जो कार्बोनिक एसिड है वो बनाता है, जो कि कैल्शियम के जो आपके शेल्स होते हैं उनको ये घुला देता है, डिसॉल्व कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ले लिया जाए, शरीर के भीतर खींच लिया जाए, तो जो आपका एस्फॉक्सिन गैस है उसकी तरह बिहेव करता है, मतलब हमारे भीतर जो एक अनकॉन्शियसनेस है वो पैदा करता है, सफोकेशन फील होता है हमको। ग्रीन हाउस गैस है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म कर देता है। ओशनटिफिकेशन, इन सब में ये कंट्रीब्यूट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं हम लोग ओजोन पे। ओजोन मैंने बताया था आपको कि अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में है तो बढ़िया है, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में है तो ये खराब है, टॉक्सिक है हमारे लिए, ये पोल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैस तो है ही। व्हीकल और इंडस्ट्री से ये रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये लोग मिल करके ऑक्सीजन को आपका ओजोन में कन्वर्ट करते हैं। कौन लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ओजोन के कारण हमारे आँखों में खुजली होती है, ये पानी पानी बहने लग जाता है, और हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है सर्दी के प्रति, निमोनिया के प्रति, उसको कम कर देता है, हमको निमोनिया और ठंड ज़्यादा लग जाती है। अगला है कार्बन के ऑक्साइड, ये जनरल है। कार्बन के ऑक्साइड में कई सारे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, जो नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन का आपका डाइऑक्साइड है, ये सब पैदा होता है, N2O, ये सब जो गैसेज होते हैं पैदा होती हैं, और इसमें NO और NO2 ये ग्लोबल कूलिंग करता है, मतलब कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये कूल करता है। क्यों सर? NO और NO2 मिल करके जो हाइड्रोक्साइड रेडिकल हैं वो बनाता है, और ये मेथेन को, मेथेन एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, इसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चूंकि ये ग्लोबल वार्मिंग गैस को नष्ट कर रहा है तो ये कूलिंग कर रहा होता है। मगर जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ये ग्रीन हाउस गैस होता है, ये वार्मिंग कर रहा होता है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो पैदा हो रहे होते हैं इंटरनल कम्बशन इंजन से, जो पावर प्लांट है वहाँ पर कोयले के जलने से, लाइटनिंग से भी पैदा होता है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन, आप जो यूरिया डालते हैं उससे निकलता है नाइट्रोजन का कंपाउंड्स, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्लांट है ना, वो भी करते हैं। हमारा जो हेल्थ है, एटमॉस्फेयर है, इस पर प्रभाव डालता है। अस्थमा के मरीज हैं उनको तकलीफ होती है, ये स्मॉग बनाता है। जो ओजोन है वो हमारे यहाँ नीचे हानिकारक तो हैं ही,
जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं और सूर्य का प्रकाश होता है, उस समय वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये काफ़ी क्रोडिंग होता है, ठीक है ना। स्मॉग तो पता ही है आपको, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा अच्छे से किस तरह से पूरा जो हमारा आगे का एटमॉस्फेयर धुंधला हो जाता है, ठीक है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसी ड्रेन करवाता है। क्यों सर? सल्फर डाइऑक्साइड हवा में जा करके वाटर से रिएक्ट करता है और H2SO4 का निर्माण करता है। ये जो आपका एसिड है वो वाटर में घुल करके माइल्ड एसिड बनाता है और नीचे एसी ड्रेन के ज़रिए आता है और हमारे मार्बल के जो मॉन्यूमेंट हैं उसको डिग्रेड करता है, ओशियन में एसिडिफिकेशन करता है, कई सारे जो चीज़ें हैं। और ये पैदा कैसे होता है? सल्फर का ऑक्साइड पैदा होता है वोल्केनिक एक्टिविटी से, कोयले के जलने से, डीजल फ्यूल जो आपके हैं उनके दहन से होता है, पेपर और स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में कार्बन सल्फा जो आपका जो है सल्फाइड है उससे भी होता है। मतलब कि जो आपका H2S है और आपका जो ऑक्सीजन है दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो सल्फर का ऑक्साइड पैदा होता है। सल्फाइड के जो अयस्क हैं ओर हैं उसको हम जब ट्रीट करते हैं, रोस्ट करते हैं, रोस्ट मतलब होता है इसको गर्म करना, उसको भूनना एक तरह से, तो वहाँ पर SO2 पैदा होता है। जैसे कि पाइराइट है, सिनेबार है, इन सबको जब हम तलते हैं मतलब कि रोस्ट करते हैं तो वहाँ से SO2 पैदा होता है। अगला है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कार्बन बेस्ड केमिकल हैं। ये रूम टेम्परेचर पर इवोपोरेट हो जाते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है, ये पेंट से निकलता है, पेंट महकता है ना बहुत ख़राब कभी कभी जो पेंट कर रहे होते हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -19°C है, तो रूम टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, 25°C होता है। इससे जो आँख है, नाक है, उसमें रेडिएशन पैदा होता है। क्या क्या सोर्स हैं? इंडोर सोर्स में परफ्यूम से निकलता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेयर स्प्रे, फर्नीचर का पॉलिश से, ग्लू, एयर फ्रेशनर, मॉथ रिपेलेंट, वुड प्रिजर्वेटिव्स, इन सब से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। पेंट से तो निकलता है। इससे आँख, नाक, गला, इन सब पर प्रभाव पड़ता है और हमको सिरदर्द होता है, लीवर पे इम्पैक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है ओशन एसिडिफिकेशन, मतलब कि जो ऑक्सीजन का जो पीएच लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का पीएच लेवल कम हो जाता है क्योंकि इसमें CO2 आकर के मिल रहा है। CO2 के मिलने से जो कार्बोनिक एसिड है वो बनता है, क्लियर बात। और ये जो आपका एसिडिफिकेशन है इसके कारण से मैंने पहले बताया आपको कि जो कैल्शियम के जो कंपाउंड्स है वो धीरे धीरे घुल जाते हैं इसके भीतर। हाँ, एसिडिफिकेशन इट्रोफिकेशन से भी पैदा होता है। क्यों सर? जब प्लैंकटन बूम करता है तो ऑक्सीजन डिप्लीट होने लग जाता है और CO2 बढ़ जाता है। पानी में ऑक्सीजन घटने लगता है और CO2 बढ़ने लगता है, जिससे पानी का pH घटने लगता है, मतलब पानी धीरे धीरे एसिडिक होने लग जाता है। अब ओशियन के वाटर मतलब ओशियन का मतलब क्या इम्पैक्ट होता है? ओशियन एसिडिफिकेशन के कारण जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो घट जाता है जीवों में, इम्यून रिस्पॉन्स प्रभावित करता है और जो कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए खतरा पैदा करता है। जैसे कि कोरल है, कैल्सरस प्लैंकटन हो जाते हैं, उनके लिए खतरा पैदा करता है जो कि बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट को पैदा करते हैं, इसको घुला देता है ना। जब घुला देगा तो पीछे का शेल वगैरह नहीं बन पाता है अच्छे से और जीव मरने लग जाते हैं, कोरल ब्लीच हो जाता है वहाँ पे इसके कारण से। एक सवाल करना, अगर ओशियन का एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, व्हाई इज दिस फिनोमिना अ काउज ऑफ कंसर्न? आखिर होता क्या है ये पूछ रहा है। ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैलरिस फाइटोप्लैंकटन विल बी अफेक्टेड। ये जो फाइटोप्लैंकटन है ना वो आर्कटिक ओशियन में फूड चेन बनाता है, जो आपका फूड वेब होता है इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये आहार का काम करता है मछलियों के लिए। जब ये प्लैंकटन ही नहीं रहेगा तो आर्कटिक के भीतर मछलियाँ खाएंगी क्या? वो मरने लग जाएगा, तो जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपका पहला सही है, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ विल बी अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। जो कोरल रीफ जो कैल्शियम यूज़ करता है उसको मतलब डिसॉल्व कर देता है, तो आपको दूसरा सही है। सर्वाइवल ऑफ एनिमल डैट हैव फाइटोप्लैंकटोनिक लार्वा, ये भी मर जाते हैं, आपका तीसरा सही है। क्लाउड सीडिंग,
फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ये भी प्रभावित होता है, चौथा भी सही है, 1, 2, 3, 4 ए आपका जो डी आंसर है वो यहाँ पर सही है। ये सब होता है ओशन एसिडिफिकेशन के कारण। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक तकनीक जो यूज़ करते हैं हम लोग एयर पोल्यूटेंट को पकड़ने के लिए, कम करने के लिए। होता क्या है कि मान लो कि आपका जो एग्जॉस्ट है या फिर आपके जो एयर के पोल्यूटेंट हैं वो जा रहा है। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कि कागज़ पर हम लोग गोंद लगा देते हैं, क्या करते हैं, कागज़ पर हम लोग गोंद लगा देते हैं और जो होता है ना चमकने वाला बुरादा उसको छीट देते हैं उसके ऊपर ना, तो कागज़ में चिपक जाता है और वो पूरा बढ़िया सा जो है ना आकृति बना लेता है। मतलब कि मान लो कि आपको बनाना है मोर, तो आपने कागज़ पर एक मोर का तस्वीर बनाया पेंसिल से चाहे पेन से, अब उस मोर की आकृति में आपने जो पूरा गोंद है ना उसको आपने भर दिया, अब उस पर जो है जो आपका जो बुरादा है उसको डाल दिया, छिड़क दिया ऊपर चमकने वाला जो होता है, अब उस पर तो चिपक गया पूरा। यही काम यहाँ पर होता है, जो आपका पोल्यूटेंट पार्टिकल है उस पर हम लोग एक चार्ज दे देते हैं, उसको हम लोग एक चार्ज दे देते हैं और आगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका डर्टी एयर है इसका जो पोल्यूटेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन से चिपक करके आगे जाता है और इस प्लेट से सट जाता है, ठीक है ना। तो प्लेट से सटने के बाद यहाँ पर आपका सटा हुआ है और जो साफ एयर है वो आगे बाहर बह करके निकल जाता है। यहाँ पर हवा का जो स्पीड है वो बहुत ही कम रखा जाता है ताकि जो पार्टिकल है वो आपके इस प्लेट में आराम से चिपक जाए। बाद में जब चिपक जाता है तो उसको हम पूरा जो प्लेट है उसको हम साफ कर लेते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पर जो पोल्यूटेंट है उसको चार्ज दे करके आगे जा करके चिपका लिया जाता है प्लेट में, ठीक है। तो ये होता है काम आपके ESP प्रेसिपिटेटर में। अगला हमारा है कैटलिटिक कन्वर्टर। यहाँ पर क्या होता है कि प्लैटिनम और पैलेडियम रोहिडियम जैसे कैटलिस्ट आपके लगे हुए होते हैं उस कन्वर्टर में। ये टेम्पो वेम्पो के नीचे लगा होता है, दिखाता हूँ, जो टेम्पो होता है ना उसके ये नीचे होता है कैटलिटिक कन्वर्टर। देखो दिख रहा है ये वाला है ना, ये आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं उसके नीचे लगी हुई होती हैं, ठीक है। देखो ये वाला ये लगा हुआ है, तो इसके ज़रिए जो आपका जो धुआं होता है वो बाहर निकलता है और वो जो धुआं होता है उसको ये प्यूरीफाई करता है। वहाँ पर जो आपके टॉक्सिक एलिमेंट हैं उसको ये छान लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, उसको ये CO2 में और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। क्या होता है, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको बना दिया CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको बना दिया नाइट्रोजन गैस N2, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ये पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। कई सारे और कारण हैं, जैसे कि कई सारे और तरीके हैं, चिमनी का हाइट ऊँचा कर देना, ठीक है ना, तो ये सब भी काम कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। एक और तरह किया गया है कि जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं उसको बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जांपल, भारत स्टेज 6 2024 में आना था, क्या था, जो भारत 6 है ना वो 2024 में आना था, मगर हमने उसको पहले ही ले आए, मतलब 2020 में ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो हमने भारत स्टेज 5 को स्किप करके, जंप करके, हमने 6 यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है 1 अप्रैल 2020 से। इसी कारण से अब जो नई बाइक्स आ रही हैं वो भारत स्टेज 6 की जो बाइक्स हैं वो आ रही हैं। अब कई सारे सरकार ने जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं वो बनाई हैं, जैसे कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है ताकि जो आपका पोल्यूटेंट है उस सोर्स को हम लोग हटा सकें। एक और है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जहां पर 12 तरह के पोल्यूटेंट को ट्रैक किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकेल, बेंजीन, अमोनिया, इन सबको मॉनिटर किया जाता है और जो स्टैंडर्ड है वो रिड्यूस करने में, मतलब पोल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगला है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसकी सबसे खास बात यह है ना कि ये कलर कोडेड है। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा
आपका जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उसके हिसाब से आप रंग देख करके पहचान सकते हैं किसका रंग, जो डिस्प्ले पर रंग दिखाएगा कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, वो पता कर पाएंगे कि पोल्यूशन हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसको कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 8 पोल्यूटेंट को ट्रैक किया जाता है, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, ओजोन, आपका जो अमोनिया है और लेड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता, यहाँ पर इसको ट्रैक नहीं करते, ठीक है। और इसी पर सवाल पूछा UPSC ने 2016 में, उन्होंने सवाल ये पूछा कि जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कौन कौन सा गैस हम लोग ट्रैक करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं क्या? नहीं, ये नहीं करते, अपना पहला गलत कर दिया। तो क्या हुआ, आपने यहाँ पर ए सी डी कर दिया एलिमिनेट, आपका आंसर बी आ गया। आपने केवल एक को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल लिया, आपने देखा भी नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2 ये सब है कि नहीं, मीथेन ये सब है कि नहीं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमने जो CO2 है उसको हमने निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वाटर पोल्यूशन पे, इसका भी वही चीज़ है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर में अगर फॉरेन एलिमेंट मिल जाए और इसका जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर दे तो उसको हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। कई सारे इसके पोल्यूटेंट हैं, आपको सब पता ही है, उसमें आप आराम से आंसर निकाल लेंगे इसका। जैसे कि आपके घर से, इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेंट है वो निकल कर जो आपके पानी में जमा होता है उसको, मतलब वो हमारे सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है ना। सीवेज वाटर है ये सब। इसमें मेन जो आपका टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है, BOD का मतलब ये होता है कि किसी भी वाटर को पोल्यूशन से दूर करने के लिए कितना ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। ध्यान सुनिएगा, किसी भी वाटर को, मतलब मान लो कि 5 लीटर वाटर आपने पानी ले लिया, गंदा पानी ले लिया, उस गंदे पानी को साफ करने के लिए हमको कितना ऑक्सीजन उसमें देना पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जितना ज़्यादा O2 चाहिए होगा इसका मतलब है कि पोल्यूशन उतना ज़्यादा है कि नहीं। तो ये एक मात्रक है, ये एक मापक है वाटर के पोल्यूशन को नापने का। मगर एक समस्या इसमें ये है कि BOD में हम लोग जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं उसको देखते हैं केवल, क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको देखते हैं। अब पानी में केवल ऑर्गेनिक थोड़े होगा, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी तो होगा। तो पानी को ढंग, जैसे कि पानी का जो पोल्यूशन लेवल है उसको ढंग से नापने के लिए एक चीज़ आई है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट दोनों को ट्रैक करता है, समझ के बाद, दोनों को ट्रैक करता है और पता लगाता है कि पानी कितना ज़्यादा पोल्यूटेंट है। अब देखो एक सवाल यहाँ पर 17 प्रीलिम्स का है, एकदम आसान सवाल है। BOD इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर व्हाट, आप इसका आंसर दीजिए। BOD किस चीज़ का एक क्राइटेरिया है, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फर्स्ट इकोसिस्टम, पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एसेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। क्या आपके लिए सवाल टफ है? आप आराम से एलिमिनेट करके, चाहे चुन के, कैसे भी करके, लेट के, घुलट के, खड़े होके, बैठ के, कैसे भी आप आंसर दे सकते हैं। एकदम आसान सवाल है ये, प्रीलिम्स 2017 का सवाल है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एंड रेडियल पोल्यूशन। जो आपका थर्मल पोल्यूशन है वो तब होता है जब थर्मल पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो गर्म पानी है वो आसपास के वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। इससे पानी का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम जाता है, प्लस मछलियाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही जिंदा रहती हैं, तो पानी जब गर्म हो गया तो धीरे धीरे मरने लग जाती हैं और इससे पैदा होता थर्मल पोल्यूशन। उसके अलावा जो आपके रेडिएशंस हैं या फिर आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो जब पानी में मिल जाता है या फिर वो हमारे एनवायरमेंट में मिल जाता है तो उससे आपका जो पोल्यूशन, रेडियस पोल्यूशन है वो आपका पैदा होता है। जैसे कि जो आपका फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके नष्ट होने के कारण, मतलब उसके मतलब एक्सीडेंट के कारण वहाँ पर ये पोल्यूशन पैदा हुआ था, ठीक है। अब एक सवाल कीजिएगा, इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट हमारा ड्रिंकिंग वाटर में पाया जाता है, आर्सेनिक, सोर्बिट्रोल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम, ये आपका होमवर्क है, ये इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पोल्यूटेंट हमारे ड्रिंकिंग वाटर में पाए जाते हैं। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आर्सेनिक तो पाया जाता ही जाता है, जो फ्लोराइड है,
ये पाया जाता है। और झारखंड जैसे इलाके हैं, राजस्थान जैसे कि आपका इधर जो वेस्ट बंगाल जो इलाके हैं वहाँ पर वाटर में यूरेनियम भी पाया जाता है। तो आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम ये तीनों के तीनों जो हैं वो पानी को पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा बच गया सोर्बिट्रॉल और फॉर्मल्डिहाइड। आपको बस इतना बताना चुनके कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है ए बी सी डी में से, ठीक है। तो ये भी बताएं हमारी अभी की, हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे और जो क्लाइमेट चेंज है उसको पढ़ेंगे।